Hey students, good morning to all of you and welcome back to No Fear Board Series. इस बार हम करने वाले पार्ट 6 के अंदर structures of coordination compound बहुत ही important topic है. क्यों? क्योंकि board के अंदर आपको ऐसे question पूछे जाएंगे. Write the hydrogen type, magnetic character and spin nature of the complex. दो complex दे दिए गए Fe3N6 Fe2O6 3+. ओके, कैसे करेंगे? समझाता हूँ. वेट, और एक क्वेश्चन है भाई, NiCl42- पैरामैग्नेटिक क्यों है, वेर इज NiCN42- डायमैग्नेटिक क्यों है? यहाँ पे क्लोरीन आया, यहाँ पे साइनाइड आया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे करना सर, हमें नहीं पता है. वी आर वरीड. नो फियर व्हेन आशीष अरोड़ा इज योर केमिस्ट्री टीचर, नो नीड टू वरी. चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस को. चलो इसके लिए मैं आपको समझाऊं, उससे पहले आपको छोटी सी दो तीन पॉइंट पता होने चाहिए. पहले तो ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पता होना चाहिए. वैसे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके टेस्ट बुक में इस तरीके से नहीं दिया है, बट ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इतना जरूर याद रख लेना, आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. पहले तो आपको दो पार्ट के अंदर लिगेंड्स को याद रख लेना, वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड. आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें नॉर्मली आपको यही लिगेंड दिए जाएंगे, या तो क्लोराइड एंड फ्लोराइड दिए जाएंगे, या तो H2O दिया जाएगा. ये तीनों जो लिगेंड है वो कौन से लिगेंड है? वीक लिगेंड है. बराबर है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर आपको COCN- एंड Na3, ये छह लिगेंड वाला केस ही पूछा जाएगा. तो आपको फ्लोराइड क्लोराइड H2O वीक लिगेंड, फ्लोराइड क्लोराइड H2O वीक लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से? COCN- COCN- एंड Na3. बस इतना याद रख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें. और दो छोटी चीज़ें याद रखने की होगी, मैं आपको बताऊँ कौन सी दो छोटी चीज़ें. पहले तो वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद रख लीजिए, बहुत काम का है. देखो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, फोटो कॉम्प्लेक्स Fe3N6 3-, राइट द हाइब्रिडाइजेशन टाइप, मैग्नेटिक कैरेक्टर, स्पिन नेचर. आगे बढ़े उससे पहले मैंने दूसरा पॉइंट याद दिला आपको. ओके, पहला पॉइंट मैंने बताया आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड याद रख लीजिए, फिर आप याद रख लीजिए फेकोनी. क्यों फेकोनी याद रखना है? क्योंकि आपको इसी तीन का ही आपको कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा, या तो Fe, या तो CO, या तो निकल. Fe का होगा तो आपको उसका नंबर याद रखना है 26, कोबाल्ट के लिए 27 और निकल के लिए 28. फेको नहीं, 26 27 28, एक बार ये याद रख लिया, फिर इसके ये नंबर को हम यूज करेंगे. 26 मतलब याद रखना इसका कंफिगरेशन होगा 3D6 4S2, इसका होगा 3D7 4S2 और इसका होगा 3D8 4S2. क्या याद रखा आपने? फेको नहीं, 3D6 4S2, 3D7 4S2, 3D8 4S2. चलो बहुत बढ़िया, ये याद रख लिया. हमारे पास यहाँ पे Fe है, Fe मतलब 3D6 4S2, वो पहली चीज़ होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, अगर जैसे मैंने आपको बेसिक सिखा रखे है, अगर नहीं पता है तो आपको उसका एक और एक वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बता दूँ. अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर साइनाइड 6 है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करने आना चाहिए. Fe3N6 3- दिया तो Fe+6CN -3 करोगे. Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है, साइनाइड का -1 होता है, ये -3, तो X=+3 आया. तो हम ये बेसिक्स कर लिए, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया. बस ये तो बहुत बेसिक से कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लिया. ओके, इसका Fe का एटॉमिक नंबर 26 पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया. मैंने पहली चीज़ याद रखने को बोला था स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, जो हमने कर लिया. वीक लिगेंड मतलब यहाँ पे आपके पास H2 F- and Cl-, स्ट्रॉन्ग मतलब साइनाइड, NH3 एंड CO होते. चलो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला कैसे. सेकेंड मैंने बताया था एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, एंड द थर्ड जो मैं बता रहा हूँ याद रखना, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, आपके पास दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर वाले केस आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अगर 6 वाला आया तो आपको दो ही हाइब्रिडाइजेशन देखने, D2SP3 या तो SP3D2, ये दो ही केस हो सकते हैं. कोऑर्डिनेशन 4 में जब मैं सिखाऊंगा तब आ रहा हूँ, उसके बाद नहीं वाले केस में आ रहा हूँ. अगर D2SP3 याद रखना, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि इन दिस केस CN है ना, तो आपको याद रखना कि ये D2SP3 ही होगा, तब वो D2 यूज करेगा. वीक होगा तो SP3D2 होगा, दैट्स इट. और कुछ याद नहीं. ये तीसरी चीज, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है देन D2SP3. ओके, चलो वो याद रखते हुए आगे बढ़ते. पहले तो Fe का आपके पास एटॉमिक नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 3D6 4S2 4P0. चलो फटाफट इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ड्रॉ कर लेते हैं. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आएगा, एक मिनट मेरी पेन चल रही है, यहाँ पर अटक गई, भाई जल्दी आ जा. हाँ चलो, 3D6 मतलब 1 2 3 4 5 6, 4S2 ये हमें आना चाहिए. तो 3D6 4S2 आ गया. फिर ऑक्सीडेशन नंबर +3 अभी हमने निकाला था. ऑक्सीडेशन +3 मतलब यहाँ पे Fe3+ है. Fe3+ का मतलब ये हो गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, मतलब वो बन जाएगा 3D5 4S0, 1 2 3 4 5 और 4S0. ओके, एंड देन आप देखोगे Fe3+ दिया
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से मैंने आपको बताया D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3D की ये जो दो ऑर्बिटल है उसको खाली करना है। खाली कैसे कर सकते हो? तो भाई खाली एक ही तरीके से कर सकते हैं हम। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सिंपल सी मैं ये सब इन सब हटा देता हूँ, ये सब की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के यहाँ पे लेके जाएंगे, एक और ये दो, और उसकी वजह से आप पहले तो यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे पांच इलेक्ट्रॉन थे बस ऐसे लिख दोगे, और उसके बाद जो छह साइनाइड के लिगेंड है, सिंस लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग वन, उसने दो धक्के मार के D2 खाली कर दिया है, और D2 खाली करने के बाद यहाँ पे आपको छह लिगेंड डालने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया मतलब खत्म हो गया। याद रखना, चाहे जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब इसका शेप ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। इन दिस केस D2SP3 था, इवन SP3 D2 है तो भी शेप तो क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, तो यहाँ पे शेप ऑक्टाहेड्रल लिख लो गया। फिर आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं 1 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लिखोगे 1, एंड उसके बाद क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है राइट हाइब्रिडाइजेशन टाइप, हमने बता दिया है D2SP3। मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड करना है एंड स्पिन नेचर, स्पिन नेचर आपको एक अनपेड कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसलिए ये पैरा मैग्नेटिक होगा, एंड मैग्नेटिक मोमेंटम अगर जब आपको फाइंड करना है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर के अंदर म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विच वॉज 1, अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो ये ओके रूट 3 हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बिकम 1.73 bm। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1.73 bm। क्या आपको समझ में आया? चलो बहुत ही अच्छी बात है, मैं एक आपको तो दूसरा कलर पेन का ले लेता हूँ, और जो मैंने ये सिखाया उसको मैंने यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से समझाइज करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो मैंने अलग तरीके से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको समझ में नहीं आता, वहाँ पे ये पेन मैंने लिखी हुई है, सेम Fe3CN6- का ये हो चुका है। अगर जैसे ही दूसरा क्वेश्चन में हम देखने जाते हैं Fe2O6+, देखो इसमें सब कुछ सेम है, पहले की अगर बात देखते हैं इसके अंदर खाली लिगेंड जो है ना वो वीक है और कुछ नहीं है। लिगेंड वीक जब हो जाता है तो ये sp3d2 दिखाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। देखो इसका एटॉमिक नंबर 26 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, वो सब कुछ अगर आप आगे की तरह जैसे मैंने आपको आगे केस में बताया उसी तरीके से करना है तो आप कर लेंगे। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर में आपको समझा था, कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे 6 है तो Fe+6H2O के साथ इक्वल टू यहाँ पे +3 दे रखा है तो +3 लिखेंगे। Fe का X है, H2O न्यूट्रल है मतलब 0, +3 मतलब X इक्वल टू +3 आ गया। चलो अच्छी बात है, आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहली चीज हम कर रहे हैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 3d6 4s2, जो हमने पहले केस में भी किया था, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s2। चलो बहुत अच्छी बात है, Fe3+3+2 क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। 3 कहाँ से निकालना, 4s में से 2 निकालेंगे, 3d में से 1 निकालेंगे मतलब 3d5 बन जाएगा एंड 4s0 बन जाएगा। एंड देन नाउ लिगेंड वीक है आपके पास, कैसे पता चला, मैंने याद रखने को बोला H2O वीक है तो याद रखना वो 3D को धक्का नहीं मारेगा, वो 3D को धक्का नहीं मारता है, उसी की वजह से आपको यहाँ पे करना क्या है भाई, ये 3D के 5 तो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ही लिख दोगे, और यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, sp3d2 में आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पे एक s ऑर्बिटल यूज करेगा और 3p करेंगे और 2d की करेंगे, बस खत्म हो गया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और अगर आप देखते हो इसका शेप, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ये ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है। याद रखना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हो तो यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करते हो तो यहाँ पे √5 × 5 + 2 यानी कि √35 हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बिकम समवेयर अबाउट 5 × 5 + 2 = 35, तो √5.92 के समवेयर आएगा। ये एग्जैक्ट नहीं, मैंने ऑरली कर रखा है, एग्जैक्टली आप कैलकुलेटर यूज करके, क्योंकि अगर स्टेट बोर्ड में हो तो आपका कैलकुलेटर अलाउड है, CBSE बोर्ड में अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए और बता दीजिए। मैंने उसका समरी लिख रखा है, यहाँ पे 5.90 आ रहा है बस, बाकी से ऑक्टाहेड्रल वीक लिगेंड है, आप बस इतना लिख के आ जाइए आपकी 3 मार्क कन्फर्म है। Fe2O6 के लिए अंदर अगर आपको पूछा राइट हाइड्रोजन टाइप, बराबर ये स्क्रीनशॉट है, बस ये लिख के आ जाओ नीचे, आप एग्जांपल अच्छी तरीके से समझा दो, बहुत ही सिंपल है। आपको जो ये क्वेश्चन था और एक तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इस बार पूछा गया था भाई Fe H2O6 3+ इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक
whereas Ephesians 6:4 is weekly paramount, explain this. तो हमें दोनों केस एक्सप्लेन करने हैं जो मैंने आगे आपको सिखाया है, और पूरा समझा दीजिए, 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, बस हो गया, वही है, बहुत ही सिंपल सा है। चलो आगे देखते हैं, और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताया गया, वाई NiCl 4-2 इज पैरामैग्नेटिक, वाई NiCn 4-2- इज डायमैग्नेटिक, ये आपको 3 मार्क का पूछा गया। तो जब आपको 3 मार्क का पूछते तो आपको करना क्या, मैं बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ, पहले हम NiCl 4- को ले लेंगे, और देखो फेकोनी मतलब ये 28 नंबर है, वो याद रखना है। यहाँ पे Cl4 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, याद रखना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है DSP2 और एक होता है SP3, बट याद रखना अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो लिगेंड्स याद रखना है, तो DSP2 ही होगा। मैं टेक्निकल डिटेल में आज नहीं जा रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूछे क्या लिख के आना, बस वो बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में क्या लिखना है, नो फियर बोर्ड एग्जाम सीरीज है, इसमें टेक्निकली डिटेल में जा ही नहीं रहा हूँ। SP3 अगर वीक है तो ये लिख देना है, वीक कौन कौन से आपके पास, H2O, Cl- F-, यहाँ पे Cl- है तो आपके लिए SP3 ही आएगा, कुछ भी हो जाए, तो आपको D को खाली करवाना ही नहीं है, अगर स्ट्रांग होता तो खाली करवाते, बराबर है कि नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे पहले तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 3D8 4S2, जैसे मैंने आपको बताया फटाफट आप इलेक्ट्रॉन डाल दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 4S2। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 आता है, जैसे मैंने आपको आगे सिखाया वैसे आप फाइंड कर सकते हो। ओके, निकल +4 क्लोरीन, दैट्स गोइंग टू बी -2, निकल का X, क्लोरीन का -1 होता है, 4 क्लोरीन है -2 और X=+2 आएगा। जब X=+2 मतलब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है, तो आपको ये 4S2 वाले दो इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं, 4S2 वाले दो इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। चलो ठीक है, वो तो हटा देते, लेकिन मैंने ये बहुत सारा सर्कल कर रखा है उसको मैं हटा देता हूँ, एंड देन आगे पढ़ाई करते, तो ये 4S0 हो जाएगा, 3D8 रहेगा, 3D8 मतलब अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, 4P में 0 है। अभी मैंने क्या बताया भाई, यहाँ का लिगेंड जो है वो वीक है, तो SP3 होगा, जब SP3 होता है तो आपको यूज़ करना क्या है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है कि पहले 3D8 है उसको कोई टच नहीं करेगा, आपको डी ऑर्बिटल में कोई टच नहीं करना, जब भी वीक होता है आपको SP3 यानी कि एक ऑर्बिटल S की और 3 ऑर्बिटल P की यूज़ करके SP3 हाइड्रोजन दिखा देना है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास N=2 रहेगा, SP3 मतलब हमेशा टेट्राहेड्रल शेप आएगा, हमेशा कौन सा शेप आने वाला, टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 2, मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि व्हाई दिस इज पैरामैग्नेटिक, हमने दिखा दिया। ओके, और उसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी फाइंड कर लोगे, √2 × 2 + 2 मतलब 2 × 4 √8 है, √8 आपके पास 2.9 BM कितना कुछ हो जाता है, तो बस वही करना है। अच्छा, अभी सेम वे हम जब NiCN4 में करते हैं, NiCN4 का ऑक्सीडेशन पहले तो निकल का एटमिक नंबर 28, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखते हो तो 4 है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है। शुरुआत आप करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से, याद रखना यहाँ पे CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब आपको DSP2 करना है, बस और कुछ नहीं है, उतना ही डिफरेंस है बाकी आगे वाले में जैसे हमने किया। तो देखो यहाँ पे पहले तो Ni2+ मतलब यहाँ पे 3D8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 4s के 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4p के 0 हो जाएंगे। सिंस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आपको d ऑर्बिटल में एक खाली करवाना पड़ता है, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन लोगे, कौन सा लोगे, DSP2, उसके लिए एक खाली करवाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर एक खाली करवाया d की एक ऑर्बिटल, s की एक ऑर्बिटल, p की 2 ऑर्बिटल, वहाँ पे लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेल डाल देगा एंड स्ट्रॉन्ग है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एंड DSP2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो होता है स्क्वायर प्लानर, उसका शेप कौन सा आएगा, स्क्वायर प्लानर, तो शेप स्क्वायर प्लानर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब ये इसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक। बस आपको ये दो चीज़ बता देनी, ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, दैट्स इट, वो जो सिखाया मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे ले रखा है। ओके, बिना पेन के पैरामैग्नेटिक वाला NiCl4 केस में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता चले √2.83 BM आएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंटम, पैरामैग्नेटिक है, एंड देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो NiCN4 और बता दो ये 0 है, खत्म हो गया केस। बस मुझे आज इतना ही डिस्कस करना था, हम और एक नई सीरीज के साथ मिलने वाले हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आप जो मुझे छोटा सा प्यार दे देते हो एक कॉमेंट करते हुए, वीडियो में जरूर कॉमेंट डालिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।